आप नू आंगण देखण वाले सारे भाई बहनों ने गणा गणा राम राम सा। तो आज गुड़ की चाशनी के अंदर आंवला को मरबो बनाऊंगा और घर के अंदर एक आंवला को पेड़ है भी झड़काए हुए तो बेर की तरह झड़क के तैयार हो गया है और सारा के ही देसी आंवला ही और अनसैन चुग के साफ करके और की तरीकों गुड़ की चाशनी के अंदर मुरबो बनाना को जिया चीनी के अंदर तो मुरबो बनाए पर गुड़ के अंदर बनाना को तरीको लेके आई हूँ वो थाना बताऊँगी की तरीकों क्या क्या बनाना है बहुत ईजी और आसान है। थाना मारो वीडियो अच्छो लगे हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो लियो जी देखो। मारा किचन गार्डन या मारे घर के अंदर आंवला को देसी आंवला को पेड़ है भी के अंदर आंवला लाग रहा है तो आंवला भी धो के साफ करके लिया है और आंवला कट करने को तरीको है कड़ी के अंदर थोड़ा चक्कू ने या को नहीं कट कर के की कड़ी अलग कर दिया और फिर पानी साफ पानी का मैंने डुबोता रखो 2 घंटा या रात भर डुबो लो ताकि को कड़वोपन या खटास है खारोपन है वो आंवला को पानी के अंदर आ जाएगा। आधा किलो आंवला लिया ही पानी के अंदर उबलने के उबलेड़े पानी में डाल दिया थोड़ा सो कलर चेंज हुआ तो एक गैस हुई ने अलग निकाल लेंगे। आधा किलो आंवला में आधा किलो गुड़ लेंगा 1 गिलास पानी लेंगे चाशनी बनाऊंगा 1 या 1.5 तार की चाशनी बना के तैयार कर ली है। चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तरीकों में बन के तैयार होगी और जितना भी जी आंवला है या 1 बार 1.5 तार की बनाई है आंवला डालता ही किया और पतली हो जाएगी तो आंवला जगह साफ उबलेड़ा ही तो बाद निकाल रखे आंवला जो चाशनी के अंदर डालांगा चाशनी है या आंवला के अंदर जागी या आंवला को जो खट्टोपन है वो बाहर निकले तो चाशनी पतली ऑटोमेटिक ही होती जाएगी। तो सारा आंवला भी के अंदर मैं डाल दिया ही और चाशनी के अंदर थोड़ा सो गर्म या उबाल आवेगो भी टाइम चाशनी की भी मात्रा बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक ही कुछ को खट्टो कड़वापन है। गुड़ की चाशनी या चीनी की कोई भी चाशनी हो तो इको आपको जो रस या आंवला को है वो बाहर निकले तो चाशनी की मात्रा भी बढ़ गई है इन थोड़ो सो हिलाता रहा ताकि पेंदे के अंदर आंवलों को चिपके नहीं और टाइट टाइट आंवलों रहे चाशनी कम हो जाए गाढ़ी होने लग जाए भी टाइम में गैस ने बंद कर देंगा। तो एक बार थे जिया मारी बताई यही तरीकों थे आंवलों खाओगा सीजन तो अब गर्मी को आ रही हुई है जितनी जरूरत तो अभी टाइम बना लिया और सुबह सुबह खाली पेट खा लियो स्किन के लिए बालों के लिए आँखों के लिए और स्वास्थ्य के लिए सौ बेस्ट आंवलो है। तो आंवलो आज गुड़ की चाशनी के अंदर मैं भी पहली बार बनाया ही ज़रूर थे हमारी बताई रेसिपी एक बार अपना के देखियो और थन बढ़िया लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो नहीं करो तो कोई बात नहीं घर ज़रूर थे आंवला बना के खाओ। तो देखो तो एकदम परफेक्ट तरीके गुड़ की चाशनी में आंवला डूब गया ही ठंडा होने के बाद में 2 मिनट इन बंद कर देंगे और ठंडा हो गया इतनी देर में दूसरों को जार लिया डब्बो लियो डब्बो या कांच को बर्तन हो तो बहुत ही बढ़िया है चाशनी आंवला भी डाल दिया और जितनी भी चाशनी गुड़ की है भाई के अंदर डाल दी सुबह सुबह एक निकालो साफ करो साफ कर लो बाकी के आंवलो सुबह सुबह खाओ तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। सारा आंवला डल के हो गया लो जी कटोरी में गाल के और दिखाऊँ डेली तुरंत खाना खाना शुरू कर दियो भले ही पर अब ज्या देखो कड़ी है जी की अलग होगी हैं आंवले की और बहुत ही स्वादिष्ट है जिया थान लागे 4 आंवला खाया तो इमशिन दो कालो नमक है वो थोड़ा सा और छिड़क लियो लियो जी करा था रहूँ राम राम।